चलिए बनाते हैं पकोड़े वाली कड़ी। तो पकोड़े वाली कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले छील लेंगे आलू, और आलू को काट लेंगे हम इस तरीके से बारीक बारीक। ये देखिए सारे आलू बारीक बारीक कट चुके हैं। अब आता है बेसन का नंबर। बेसन को कर लेंगे छान लेंगे। छानने के बाद बेसन जो है पतला हो जाएगा, और इस तरीके से सारा बेसन जो है जितना आपको चाहिए उसको छान लेंगे। अब हम आलू में एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब डालने के बाद बेसन को और आलू को अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है इसमें बेसन। अब आप पानी डालेंगे इसमें। आप एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि ये फिर घोल पतला हो जाएगा, और अगर घोल पतला हो गया तो जब आप तेल में डालेंगे उसको, तो ऐसा होगा ना, जब अगर घोल पतला होगा तो वो तेल जो है ज़्यादा लेगा। पकौड़ी जो है गीली, अगर पकौड़ी गीली बनेगी तो तेल ज़्यादा सोखेगा, इसलिए हमने थिक जो मोटा रखा है बेसन का जो घोल है वो थोड़ा मोटा रखें, बारीक ना करें। सो बारीक बारीक काट रखे हैं जो आलू, उसका कारण क्या है अब मैं आपको बताती हूँ। जो ये बारीक बारीक आलू काटे हैं ना, इसका कारण ये है, वैसे हम अधिकतर क्या करते हैं पकौड़ियों में, एक परत में एक ही पकौड़ी आती है, एक ही आलू का पीस आता है, लेकिन इससे क्या होगा, इसमें देखिए एक पकौड़ी में चार पाँच आलू के छोटे छोटे पीसेस आ जाते हैं, और ऊपर से घोल भी मोटा, और साथ में तेल भी नहीं सोखेगा, तेल कम सोखेगा। और देखिए एक बार में कितनी पकौड़ी आप तल सकते हैं। सो ये कारण है इसको इस तरीके से मोटा रखने का। अब जब ये पकौड़ी बन जाएंगी, पकौड़ी बन चुकी है, अब बनाएंगे हम कड़ी। कड़ी के लिए पकौड़े वाले बर्तन में एक चम्मच बेसन, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च, दो चम्मच मिर्च पाउडर, और साथ में लेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने दो चम्मच लिया है, आप स्वाद अनुसार नमक लेंगे, और इसमें डालेंगे अब हम दही। अच्छे से आपको जितने गाढ़े बनाने हैं आप दही डाल सकते हैं, और इस तरीके से सबको आपस में मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी से ही अच्छे से घुल जाएगी। मसाले और दही को और बेसन को आप इसमें मिलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको भी आप पतला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा पतला कर देंगे तो जो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत पतली हो जाएगी, और कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए अब लगाते हैं कड़ी में तड़का। तो कड़ी में तड़का लगाने के लिए जीरा, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे, और थोड़ी सी हींग और सूखी लाल मिर्च डालेंगे इसमें। देखिए दो लाल मिर्च पड़ चुकी है, दो चार लाल मिर्च पड़ चुकी है इसमें स्वाद के लिए। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और अब डाल देंगे इसमें कड़ी। लाइट अगेन, देखिए थोड़ी सी कड़ी डालेंगे। अब देखिए अब जितनी भी कड़ी है सारी इसमें डाल देंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे उसको, कड़ी नीचे ना लगे उसके लिए। अब देखिए अगर आपको कड़ी में थोड़ा सा स्वाद अलग से लाना है तो थोड़ी सी दही जो है आप ऊपर से डाल देंगे। इससे क्या होता है, थोड़ी सी दही ऊपर से, ये एक सॉलिड ट्रिक है दही कड़ी अच्छी बनाने के लिए। थोड़ी सी दही आप अलग से डाल सकते हैं इसमें, तो आप इसमें जो है पहले इस तरीके से चलाएंगे। जब इसको अच्छे से फेंट लिया आपने, तो देखिए थोड़े से मसाले जो हैं पक चुके हैं। मसाले पकने के बाद अभी जो हमने दही ली है इसको डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको छुड़ा के साइड साइड से, और ये डाल देंगे। ये देखिए कितनी थिक कंसिस्टेंसी है। अगर आप इस तरीके से दही ऊपर से डालेंगे तो आपकी कड़ी बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनेगी। और ये आपने इस तरीके से डाल लेना है पानी डाल के, और इसको थोड़ी देर के लिए फिर इसको पकने देंगे। पानी डालने का मकसद ये होता है ना कि हम
जो हमारे कड़ी के मसाले हैं ना, तो उनको पकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कड़ी को पकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हम इसको थोड़ी देर के लिए मतलब धड़कने के लिए छोड़ देते हैं। और आप देखिए हमारी कड़ी हो चुकी है तैयार, इसमें डाल दिए पकौड़ी। आप भी इंजॉय करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।